रोहतक में बिजली विभाग का कारनामा, एक महीने के बिजली का बिल 5 करोड़ रुपए थमाया उपभोक्ता को, एक ही दिन में 2 बिल और थमा दिए उपभोक्ता को, बिल देखकर उड़े उपभोक्ता के होश, 2 ही दिन में 3-3 बिल देखकर उपभोक्ता हुआ बेहाल। जरा कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसे एक महीने के बिजली के बिल के रूप में 5 करोड़ रुपए अदा करने हो। रोहतक की झंग कॉलोनी निवासी लॉर्ड धनवंतरी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सत्यनारायण को यह बिल मिला है। बिजली विभाग ने उनसे 5,78,836 रुपए मांगे हैं। यह बिल है नवंबर महीने का। अक्सर अपनी कार्यप्रणाली के चलते चर्चाओं में रहने बिजली विभाग का यह नया कारनामा है। 5,78,836 रुपए का बिल देखने के बाद से डॉक्टर सत्यनारायण परेशान हैं। उनका कहना है कि हर महीने उनका बिल लगभग 22,000 तक आता था, लेकिन 5 करोड़ रुपए का बिल देखने के बाद से ही वो हैरान है, परेशान है। जी, मेरे पास बिजली बोर्ड का ये बिल कल आया, जिसमें जो बिल था 5,07,80,836 रुपए। मेरा एक्चुअल बिल जो है 15,000-20,000-22,000 के बीच हर महीने आता है, और हर महीने हम लोग पे कर देते हैं टाइम से पहले। अब ये कल 5,07,80,836 रुपए मेरे पास बिल आया, तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं एकदम से घबरा गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और मैंने सोचा कि ये बिल सारे रोहतक का मेरे खाते में कैसे डाल दिया गया है। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल को देखकर डॉक्टर सत्यनारायण पहले ही परेशान थे कि आज सुबह एक और बिल उन्हें प्राप्त हो गया। इस बिल में 5,78,836 रुपए तो नहीं थे, लेकिन लगभग 15,000 रुपए की राशि का बिल उन्हें थमाया गया। विद्युत विभाग की तरफ से आए इस बिल को देखकर डॉक्टर सत्यनारायण कुछ राहत की सांस ले ही रहे थे कि शाम होते होते एक और बिल उनकी टेबल पर पहुंच गया। तीसरे बिल को देखकर डॉक्टर सत्यनारायण और परेशान हो गए। इस बिल में रीडिंग भी नहीं थी और रुपए की डिजिट भी। तो ये चैनल्स में खबर आने के बाद इन्होंने क्या किया, अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे को बिल भेजा। जो बिल था वो 15,326 रुपए का था। चलो, मैंने कुछ राहत की सांस ली कि भाई बिजली बोर्ड कुछ, यानी चैनल वालों के, अखबार वालों की वजह से कुछ उनको समझ आ गई है। पर दोपहर को आज फिर मेरे पास जो बिल आया है तीसरी बार, ये 20,114 रुपए का बिल अब आ गया है। मैं तो इस हालत में हूँ कि सोच रहा हूँ कि मैंने बिल पे करना है तो कौन सा करना है। ये अगर ये सभी आम आदमियों के लिए ये बिजली बोर्ड ऐसे ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें रीडिंग भी एक दिन में, ये जो सुबह वाले और शाम दोपहर वाले बिल में, दोनों में रीडिंग भी अलग अलग है। क्या ये बगैर रीडिंग के यानी बिल बनाते हैं वहीं पे बैठे बैठे ऑफिस में, यानी यहाँ पे आके वो मीटर की रीडिंग भी नहीं लेते हैं और अपने आप ही धक्का मार रहे हैं, और ये आम पब्लिक को के साथ क्या कर रहे होंगे। एक ही उपभोक्ता को एक ही महीने के 3-3 बिल पकड़ा चुका विद्युत विभाग अब कौन से बिल में सुधार करता है, यह देखना बाकी है। गरिमा टाइम्स की रिपोर्ट।